हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज। मेरे यूट्यूब चैनल इन लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। हम भारत भूगोल सीरीज में द्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के बारे में बताया था। चलिए आज हम जानते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप। इसके साथ ही हम भारत की प्रमुख खाड़ियों व भारत की समुद्री सीमा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप। तो अरब सागर में बहुत सारे द्वीप हैं, जिसमें से हम सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा प्रदेश है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। अब प्रवाल क्या होता है? तो छिछले समुद्र में एक जीव मूंगा पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की खाल में रहता है, अर्थात चूने में रहता है। जब वह एक क्षेत्र में लाखों करोड़ों की संख्या में रहते हैं, जब वह एक दूसरे के ऊपर मरते जाते हैं, तो लाखों वर्षों में वही चूना एक चट्टान के रूप में हो जाता है, और यही चट्टान जब विस्तृत क्षेत्र में हो जाता है, तो वह एक द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह जो द्वीप होता है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि समुद्रों में उतरने पे इसका रंग प्रकाश के परावर्तन के कारण इसका रंग अलग अलग दिखाई देता है। तो चलिए, ये हो गई बाहरी बातें। अब हम आते हैं लक्षद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य पे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, लक्षद्वीप का नाम कब रखा गया। तो लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप सन 1973 में इस द्वीप का नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। तो इसका कुल क्षेत्रफल 36 वर्ग किलोमीटर है। यह जो द्वीप है, इसका क्षेत्रफल केवल 36 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसमें बहुत सारे द्वीप होंगे, तो लक्षद्वीप में कुल 32 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह में कुल 32 द्वीप हैं। लेकिन इन 32 द्वीपों में हम 10 द्वीपों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि उन्हीं क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। तो चलिए अब हम 32 द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसमें जो प्रमुख द्वीप होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू। तो देखिए, लक्षद्वीप के सबसे उत्तर में अमीन देवी द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तर में स्थित द्वीप अमीन देवी द्वीप है। अमीन देवी द्वीप के दक्षिण में या इसके मध्य में एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.9 वर्ग किलोमीटर है। एंड्रोथ द्वीप का क्षेत्रफल 4.9 वर्ग किलोमीटर है। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, अर्थात लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप का नाम मिनिकाय द्वीप है। मिनिकाय द्वीप का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो 4.8 वर्ग किलोमीटर है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और मिनिकाय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप में एक द्वीप का नाम कवरत्ती है, जो लक्षद्वीप की राजधानी है। चलिए अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि मिनिकाय और एंड्रोथ के बीच एक चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। मिनिकाय और एंड्रोथ के बीच यहां पे एक चैनल है। मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच एक चैनल है, और ठीक मिनिकाय के दक्षिण में मालदीव देश है, जिसकी राजधानी माले है। तो मिनिकाय और मालदीव के बीच भी एक चैनल यहां पे है। तो आप इन दोनों चैनलों के नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अब हम सबसे उत्तर में चलते हैं। तो यहां पे खंबात की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है, जिसे अलिया बेट द्वीप के नाम से जाना जाता है। अलिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। अब हम देखते हैं यहाँ पे भारत के नक्शा जो होता है, वहां पे जहां महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ भाग है, वह एक द्वीप के नाम से जाना जाता है जिसे सालसेट द्वीप के नाम से जाना जाता है। जो मुंबई नामक शहर है वह सालसेट द्वीप पे स्थित है। सालसेट द्वीप के दक्षिण में या मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप स्थित है। तो ये हो गए आपके दक्षिण भारत के द्वीप। चलिए अब हम आगे देखते हैं भारत के प्रमुख खाड़ी और उनके नाम। भारत के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है, यह बहुत बड़ा खाड़ी है, इसे बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। यहाँ पे देखिए आप, गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, इन दोनों के बीच ये जो खाड़ी है इसे कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र है यहाँ गुजरात, बीच में जो नुकीला भाग है इसे खंबात की खाड़ी कहते हैं। खंबात की खाड़ी में ही एलियाबेट द्वीप है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसे मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। ये हो गए भारत के प्रमुख खाड़ी। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत की समुद्र सीमा कितनी है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हर देश का अपने स्थल मंडल पे या स्थल क्षेत्र पे अधिकार होता है, उसी प्रकार उस देश का उसके अगल बगल स्थित समुद्रों में भी कुछ अधिकार होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत के अगल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, नीचे हिंद महासागर में भी भारत के अधिकार हैं, वह कितने किलोमीटर तक है, कितने किलोमीटर क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जो भारत का ये तट है वह बिल्कुल सीधा तो होता नहीं है, वो कटा फटा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो तट को सीधा मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे आधार रेखा कहते हैं, और ये जो क्षेत्र मापा जाता है उसी आधार रेखा से मापा जाता है। यदि कोई तट ऐसा है तो यहाँ से एक आधार लाइन जाएगा जो बिल्कुल सीधा होगा, इस आधार लाइन से ही भारत के समुद्र सीमा या किसी भी देश की समुद्र सीमा की नाप की जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो समुद्र सीमा है भारत की, उसमें तीन क्षेत्र हैं। एक 12 नॉटिकल मील तक, यहाँ आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, फिर 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक। तो सबसे पहले हम नॉटिकल मील को समझेंगे। नॉटिकल मील होता क्या है? नॉटिकल मील दूरी मापने का एक पैमाना होता है। यदि इसे हम और छोटा करना चाहे तो हम एक नॉटिकल मील बराबर हम 1.8 मील कह सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एक मील बराबर कितने किलोमीटर या मीटर होते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो भारत के समुद्र सीमा के तीन क्षेत्र हैं, हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है। नंबर एक पे है प्रादेशिक समुद्री रेखा। नंबर एक पर स्थित जो है वह है प्रादेशिक समुद्री रेखा। यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है। इसमें आप गुणा कर देंगे तो इसका माप निकल जाएगा। प्रादेशिक समुद्री सीमा रेखा में भारत का अधिकार 12 नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को संपूर्ण अधिकार है। इस क्षेत्र में भारत कुछ भी कर सकता है। हम 12 नॉटिकल मील के आगे बढ़ेंगे तो अगला आएगा संलग्न क्षेत्र या अविचित्र मंडल। संलग्न क्षेत्र या अविचित्र मंडल, यहाँ आधार रेखा से भारत या 12 नॉटिकल मील के बाद भारत का अधिकार होता है, जो 24 नॉटिकल मील तक चित्र में दिखाया गया है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील। तो 24 नॉटिकल मील तक भारत का संलग्न क्षेत्र या अविचित्र मंडल होता है। इस क्षेत्र में भारत को याद रखिए साफ सफाई का अधिकार, उसके बाद सीमा शुल्क वसूली का अधिकार। यदि इस क्षेत्र में किसी दूसरे देश का जहाज आता है तो उसमें भारत को सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है, जैसे रोड पे टोल टैक्स लिया जाता है।
आगे देखेंगे तो इस क्षेत्र में भारत को वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। उसके आगे है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र है या दूसरा क्षेत्र हो गया, जो तीसरा क्षेत्र है वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह 200 नॉटिकल मील तक है, जिसमें भारत को नए द्वीपों के निर्माण करने का अधिकार है, संसाधनों के दोहन करने का अधिकार है और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है। तो ये हुए भारत के समुद्र सीमा। पहला है लिखा हुआ यहाँ पे प्रादेशिक समुद्र सीमा, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो संलग्न या अवचित्र मंडल पाया जाता है जो 24 नॉटिकल मील तक है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जो 200 नॉटिकल मील तक होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए एक मील बराबर कितने मीटर या कितने किलोमीटर। हम यहाँ पे भारत के द्वीप, भारत की खाड़ियां व भारत की समुद्री सीमा रेखा या उसकी लंबाई या उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य खत्म हुए। हमने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, तो आप एक प्रश्न का उत्तर दिए जरूर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और किस नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, जय हिंद।